और रॉट वाला देखो वो ओए 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 ए सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज की व्लॉग हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की व्लॉग मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, अभी बज रहे हैं 10 और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा भाई आदर्श और इसको गोल्डन वाले पप्पी को लेके, जो कि मेरे घर में दो पप्पी है आप लोगों को पता ही होगा, जो भाई प्रिंस डॉग क्लब चैनल पे एक्टिव होंगे उनको पता होगा। इसमें से एक ब्लैक कलर का है, एक गोल्डन कलर का, एक व्हाइट कलर का। व्हाइट वाला चला गया, गोल्डन वाला ब्लैक वाला बचा हुआ है। और यहाँ पे दिखाते हैं देखो सारे, ये देखो। सो गाइस ये है मेरी बेला जो कि जर्मन शेफर्ड है, ये मेरी सीजर जो कि रॉटवाइलर है, ये मेरी सैंडी जो कि रॉटवाइलर है, जिसको आपने फर्स्ट ब्लॉग में शायद देखा होगा या सेकंड ब्लॉग में देखा होगा। सो गाइस ये मेरी चेरी, ये मेरा जिमी लैब्राडोर देखो। सो इसको रख दो, नीचे रख दो, खेलेगा ये, जाओ नीचे। अभी आ चुका है मेरा खाना, यहाँ पे देखो चावल सब्जी दाल यहाँ पे सारा चीज आ चुका है। सो गाइस हम लोग खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, चलो। सो गाइस अभी हो गया है मेरा खाना कंप्लीटेड। अरे अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, सो गाइस 1 बजने वाले हैं। और अभी का सीन ये है कि आगे ब्लॉग में हम लोग लेके चलेंगे सैंडी को, सैंडी जो कि मेरी रॉटवाइलर, सेकंड ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा जो कि मेरी रॉटवाइलर है, उसको उसका अभी वैक्सीनेशन करवाना है, ठीक है। वैक्सीनेशन मतलब कि साल जब भी वो मतलब कि एडल्ट होती जाती है तो रिपीट होता है वैक्सीनेशन। सो उसका गाइस आज डेट है और हम उसको लेके चलते हैं पेट शॉप पे मार्केट में। सो गाइस उसका सबसे पहले वैक्सीनेशन कराते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको ब्लॉग में। सुबह हम लोग पहुँच गए हैं पेट शॉप पे सैंडी को लेके, चलो ये लगा दो पार्किंग में गाड़ी। देखो सैंडी उतर गई। सो गाइस देखो सैंडी उतर गए, चल सैंडी ऊपर चलो, आ चलो आ सैंडी चलो चलो लेके चलो लेके चलो, हाँ पकड़ के लेके चलो चलो। सो चलो सैंडी चलिए ऊपर चलो। देखो सैंडी को ये लो, नहीं कुछ करेगी नहीं कुछ करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी। हाँ सैंडी तो क्या हो गया, पीठ पे क्या हो गया? वही तो दिखवाने लगा। अच्छा चलो इसको लेके लड़ जाएगा। आ सैंडी चल चल अंदर ले जाइए ले जाइए। सैंडी के लिए कुछ ट्रीट लेते हैं जो कि आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में, ये मैं देता हूँ इसको जो कि इन लोगों का फेवरेट। देखो ये पहचान गई, ये लो इसको रख लो, देख जाए देखो ये पहचान गई इसको, ये इसी का ट्रीट है। अभी लेके चलते हैं गाइस इसको हम लोग घर। सो गाइस देखो अभी सैंडी और एक और रॉट वाला देखो वो अभी हम लोग आ गए हैं सैंडी को लेके घर पे। और अभी अभी आ गया है मेरा मैगी, ये देखो आ गया अपना मैगी यहाँ पे स्ट्रिंग। सो गाइस अभी है मैगी और स्ट्रिंग का टाइम, मैगी खा के स्ट्रिंग पी के मिलते हैं आप लोग को आगे ब्लॉग में। सो गाइस अभी हमारा हो गया है मैगी कंप्लीट और अभी हम आपको मिलाते हैं एक न्यू पेट से, मतलब कि गजब का पेट है मेरे पास, आप लोग देखो उसको और मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ आप लोग को वीडियो में। सो गाइस ये आपको दिख रहा होगा, ये है पैरट का बेबी। सो गाइस जब भी मैं मार्केट गया था तो मुझे मतलब कि ये दिखा था, वो मतलब कि इसको लेके आए थे, जैसे आप लोग देखते हो गए ये है तोता का बच्चा, ठीक है ना, पैरट इंडियन बेबी है, इंडियन पैरट का बेबी। गिर जाएगा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सो गाइस जब भी बारिश होता है या फिर तूफान आता है तो वो पेड़ पे से ये लोग गिर जाता है, कोई कोई जो पेड़ होता है उस पे से ये लोग गिर जाता है। सो बहुत भाई लेके मतलब कि मार्केट में बेचने निकल जाते हैं, तो मैंने मतलब कि कंडीशन में नहीं देखा था, मतलब कि बच्चा था उसमें से एक दो मरा भी हुआ था, मतलब कि जितना मेरा बजट अलाउ किया मतलब बहुत ही कॉस्टली भी था ये, ठीक है। तो मतलब मैंने दो परचेज करके लाया, इसको खुला रखता हूँ और इसको मतलब कि मुँह में अभी खिलाना पड़ रहा है, मैं मेरे पास अप्रॉक्स ये 10-15 दिन से है, ठीक है 10-15 दिन से, और इसको मैं मुँह में सिरिंज से जो डॉग के बेबी को मतलब कि नीडल से पिलाते हैं हम लोग दवाई, उससे इसको पिला पिला के मैंने ऐसा किया, मतलब कि इसका कोई रोआ भी नहीं था बताओ। उसके बाद इसको खुला रखता हूँ, मतलब कि फ्री है ये, अगर ये उड़ना चाहता है तो बराबर के उड़ भी सकता है, नहीं रहना चाहता तो रह भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ रात में रात को इसको केज में रख देते क्योंकि बिल्ली वगैरह डॉग्स वगैरह तंग करेंगे, जानते हो सैंडी भी मेरे पास कितने डॉग्स है, देखो यहाँ पे चेरी बैठी हुई है।
सो गाइस ये है मेरा एक्वेरियम जो कि आज ही मैंने कुछ क्लीन किया है, अभी तक क्लीन नहीं हुआ है ये, मतलब कि फिल्टर एब्जॉर्ब कर ही रहा है गंदगी। और इसके लिए चलो हम कुछ मछली लेके आते हैं, मतलब कि पेट शॉप पे जाके अभी मैंने डिसाइड किया कुछ फिश लेके आते हैं, तो सोचा आप लोग को ब्लॉग में दिखा दूँ। देखो अभी मैं आ चुका हूँ शॉप पे और यहाँ पे देखो मतलब कि नॉर्मल ही है, नॉर्मल सारा फिश है यहाँ पे, देखो ब्लैक कलर का एंजल फिश है, गोल्ड फिश है और इसमें कुछ वेराइटी है, इसमें कुछ वेराइटी है चिकलेट वगैरह का। सो गाइस मैंने डिसाइड किया कि ये शार्क अल्बिनो शार्क जो है शार्क ले लेता हूँ। एक देखो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये ले लेता हूँ एक पेयर, ये ले लेता हूँ एक व्हाइट अल्बिनो रेनबो अल्बिनो शार्क ले लेता हूँ। सो गाइस इसको पैक करा के हम लोग चलते हैं घर। अभी हम लोग आ चुके हैं घर और फिश लेके, ये देखो फिश, देखो कितनी सारी फिश लिया। सो गाइस इसमें काफ़ी सारे फिश है, चिकलेट है, किसिंग फिश है, मतलब कि काफ़ी सारा मैंने सेलेक्ट करके लिया है। और इसको अभी हम रखते हैं टैंक में, चलो इसको रखते हैं सबसे पहले टैंक में, उसके बाद देखेंगे क्या रिएक्शन रहता है नई फिश का और इन सभी फिश का। देखो फिश को पैकेट पूरे इसमें रख दिया एक्वेरियम में। देखो गाइस जो भी फिश आप लोग लाते हो इसका पानी का टेम्परेचर अलग, आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर अलग। सो गाइस इसको हम पहले टेम्परेचर को मेंटेन होने देते हैं थोड़ी देर, वो तो आप लोगों को भी पता होगा, उसके बाद हम लोग पैकेट खोल के इसमें छोड़ देते हैं एक्वेरियम में। सो गाइस देखो ऑलमोस्ट आधे घंटा मैंने इसको रख दिया है पैकेट को, उसके बाद इसको इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं, उसके बाद पैकेट को छोड़ते हैं धीरे धीरे। ये देखो सारी फिश आ गई न्यू टैंक में अपने, आपको लगा दे। ये देखो अपनी न्यू फिश आ गई। तो गाइस अभी पानी उतना क्लीन नहीं है, आपको थोड़ा सा क्लीन नहीं दिख रहा होगा। ये देखो एक बनाना चिकलेट और ये चिकलेट और एक ये फिश क्या है पता ही नहीं है, इसका भी नाम मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि बस मैंने देखा सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है तो मैंने ले लिया, ठीक है। ये देखो इसमें शार्क भी है, छोटी छोटी फिशेज है। सो गाइस मैंने इसको छोड़ दिया, इसका मैंने दवाई भी लिया था, दवाई तो वहीं छूट गया। ये देखो इसका साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, मैंने पेयर करके लिया है, इसका भी साइज पेयर लिया है। अब टैंक कितना भरा भरा लग रहा है, पूरा भरा भरा लग रहा है। तो गाइस इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं फ्रेंडशिप करने के लिए, देखते हैं जो भी लड़ेगी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे किनको हटाना है किनको नहीं हटाना है। देखो कितना प्यारा लग रहा है सारा, देखो देखो अभी मेरे साथ कौन है, शिनचैन, अपना शिनचैन। सो गाइस इसका नाम रखा गया है शिनचैन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा नाम है। सो गाइस जानते होंगे जो भाई मेरे प्रिंस रॉक क्लब चैनल पे एक्टिंग हुए, मेरे पास दो बेबी था, इसमें ब्लैक कलर का एक वाइट कलर का और ये तीसरा था, जिसमें से दो जो भाई बुक किए थे लेके चले गए हैं और ये बचा हुआ ये, चलो ये देखो। सो गाइस ये काफी ज्यादा बदमाश है, इतना ज्यादा एग्रेसिव है, अभी मैं दिखाता हूँ इसका एग्रेशन, देखो है कुत्ते कुत्ते शिनचैन। सो गाइस ये मतलब कि घर में बहुत प्यार से रहता है, अभी देखो इसका नाटक देखो, इसको नीचे जाना है तो ये क्या करेगा, देखो इसको डर और है भी नहीं, मतलब कि कूद जाएगा ये, सीधा कूद जाएगा, कूदो तो है कूदो गाइस, देखो ये कूदने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। सो गाइस इसको कूदना आता है ठीक है, तब पर भी ये डरता है, ऐसा नहीं कि मैं कूदा रहा हूँ इसको, देखो सुपरमैन सुपरमैन चलो, देख लो चला गया, देखो आ जाओ शिनचैन आ जा, ये लो इसका रिएक्शन देखो, चलियो 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 जल्दी आओ मेरे पास, ये देखो गाइस ये पूरी मस्ती करते रहता है। और यह बाथरूम देखो, इसको गर्मी लगता है बहुत ज्यादा, गए चला गया सोने के लिए, चल चल जल्दी चल जल्दी, फिर चला जाएगा, ये ठंड एकदम जगह पे रहेगा, जाओ सो जाओ जाओ सो जाओ, हैंडशेक गुड बॉय हैंडशेक। गाइस देखो शिनचैन कितना प्यारा है। सो होप गाइस कि आपको ये ब्लॉग प्यारा लगा हो, ये छोटी सी ब्लॉग थी, आप लोगों ने एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करो, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस ब्लॉग चैनल पे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।